तस्वीरों में नजर आ रहे ये दिव्यांग दंपत्ति गुरुग्राम के सोहना के रहने वाले हैं। ये लोग अपने बेटे की मौत का न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम के सोहना की दमदमा झील में 17 अक्टूबर को डूबकर एक नाबालिग की मौत का मामला अब मुख्यमंत्री दरबार जा पहुंचा है। मामले में नाबालिग के माता पिता पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सीएम विंडो पर गुहार लगाई है। उनके मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाले सौरभ और ताशु उनके बेटे को झील के पास ले गए और उन्हें यकीन है कि उन्होंने ही झील में धक्का देकर उनके बेटे की हत्या की है। वहीं 17 अक्टूबर को मौत के बाद उन्हें 18 अक्टूबर को सूचना दी गई और पुलिस ने जबरदस्ती उनके बयान दर्ज करवा लिए। आप खुद ही सुन लीजिए नाबालिग मृतक के माता पिता की जुबानी पूरी दास्तां। मेरा बच्चा इन दो लड़कों ने, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पहले भी बात हुई थी कि सौरव और ताशु नाम के दो लड़के हैं, इन्होंने मेरे बच्चे को या तो जबरदस्ती और या फिर धक्का मार के डुबोया है। उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है किसी भी तरीके की। तो जो उस वक्त कार्रवाई हुई थी उस वक्त हमारे बयान दर्ज किए गए थे मेरे बच्चे के टाइम पे, उस टाइम पे ना मुझे होश था और ना मेरी पत्नी को होश था कि हम बयान दे सकें। तो इसमें कार्रवाई हुई जबरदस्ती लिखवाई गई है पुलिस ने। अब इसमें आपने क्या कार्रवाई की है? इसमें कार्रवाई सर हमने सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई है, कमिश्नर साहब के पास लगाई है गुड़गामा, और विधायक जी को सोना में लगाया है। तो इसमें कुछ मिल रही है, कुछ हो रहा है आपकी कार्रवाई? कुछ भी कार्रवाई पुलिस करने को मना कर रही है हर तरीके से। तो जो आरोपी है वो कहाँ पर है? वो खुलेआम घूम रहे हैं सर मेरे घर के पास। मेरे पास एक छोटा बच्चा है, उसका भी डर रहता है। मामला ये था, मेरा लड़का 17 तारीख को गया था घर से, कुछ लड़के पिछले महीने कुछ लड़के घर से लेके गए थे। हमें बताया नहीं, पुलिस वालों ने भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। सौरभ के दोस्त ने इन्फॉर्मेशन दी हमें कि थाने पहुंच जाओ। थाने पहुंचे जब वो हमारे साथ गए, वहां पे कुछ भी कार्रवाई करी नहीं। लड़का पैंट में हमारा मिला, फोन तक हमारा मिला नहीं हमारे लड़के का, और ना हमें फोन करके बताया ना वहां पे सौरभ। तब आपको पुलिस से क्या शिकायत है? पुलिस से ये शिकायत है कि वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे बयान तक हमारे से जबरदस्ती लिखवा लिया, उस टाइम मुझे और मेरे पति को होश नहीं था जिस टाइम आप बयान दिए। हाँ जी, तो आपका क्या आरोप है इस वक्त, क्या शक है आपको? आरोप ये है, शक ये है कि तासु और तुषार है जो सौरभ जी, उनको उनके उस पर कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिलाई जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सीएम दरबार में मामला पहुंचने के बाद क्या इस दिव्यांग दंपत्ति को न्याय मिल पाएगा। वहीं पुलिस को अभी सिजरा रिपोर्ट आने का इंतजार है। देखना होगा जांच के दौरान जिस तरह नाबालिग के माता पिता दो लड़कों पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सत्य खबर के लिए सोना से संजय राघव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।